यह सरकार 25 साल से 49 तक जितना ही महिला है सबको भी पेंशन दिया जाएगा अगले महीने से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सरकार को विपक्ष भाजपा ने कभी स्थिर नहीं रहने दिया, बेवजह झूठा आरोप को लेकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि 50 साल से आगे की महिला को हम पेंशन दे रहे हैं, अब 25 साल से 59 साल की जितनी महिलाएं हैं उनको भी हम अगले महीने से पेंशन देंगे। इसीलिए हर इलाक डिप्लोमा करने के लिए मान की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग लागू किया है, 15,000 से 30,000 तक उन लोग को मिलेगा। जितना ही प्राइमरी स्तर से सबका छात्रवृत्ति हम लोग बढ़ा दिया, ताकि हमारा विद्यार्थी पैसा के अभाव से पढ़ाई नहीं छोड़े। ये सोच है ये सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार का सोच है कोई भी विद्यार्थी पैसा का कमी चलते उसका पढ़ाई नहीं रुके। इस तरह का सोच के साथ ये सरकार, आपकी सरकार ये व्यवस्था किया है। उसका साथ साथ जो पिछले डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। ये सरकार आने के बाद आप जो जनादेश दिया 2019 में और सरकार बनी उसका बाद हरा राशन कार्ड 20 लाख बनाया है, ये भी और उसको बढ़ा के हम लोग 25 लाख करने जा रहा है, ताकि झारखंड की यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा, ताकि कोई भूखा नहीं रहे सहे। उसका साथ हम लोग ये हम लोग सो निर्णय लिया, कानून बनाया है हम लोग। ये सरायकेला जिला पूरा उद्योग से भरा हुआ है, पूर्वी सिंहभूम में बड़ा बड़ा कंपनी है, निजी कंपनी है, हर कंपनी में 75% यहाँ का जो डिप्लोमा बीटेक किया है, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, उनका हर हालत में नौकरी देना होगा 75%। यहाँ का आदिवासी को देना है, यहाँ का मूलवासी को देना है। ये हम लोग सख्ती से भी अभियान के तरफ चलाएंगे हम लोग और लागू करवाएंगे। उसी तरह आज जैसे हम लोग 50 साल से आगे महिला को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, ये सरकार 25 साल से 49 तक जितना ही महिला है सबको भी पेंशन दिया जाएगा अगले महीने से। उसका सहयोग करेंगे हम लोग, ताकि वो अपना परिवार, अपना घर द्वार अच्छा से देके उसको सहयोग करेंगे हम लोग। ये आज ये चुनाव होने के बाद पहला हम आप लोग के बीच में आया है, इस राज को सजाना है, झारखंड को सजाना है, संवारना है। इसलिए हर धार्मिक स्थल हम लोग सुंदरीकरण करेंगे। आदिवासी का जिस तरह सुंदरीकरण हो रहा है धार्मिक स्थल, मूलवासी का भी हम हर धार्मिक स्थल को हम लोग सुंदरीकरण और सुरक्षा करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।